प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी सीजीएल का 23 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 23 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 23 सितंबर की तृतीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न पूछा गया था कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो पाल साम्राज्य का संस्थापक राजा गोपाल पाल था। गोपाल पाल ये पाल वंश का संस्थापक था। गोपाल ने पाल साम्राज्य की दृढ़ नींव रखी थी। गोपाल का उत्तराधिकार उनके पुत्र धर्मपाल ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसने शासन कहाँ पर किया था, तो इसने पूर्वी और उत्तरी भारत पर शासन किया था गोपाल ने। पाल वंश का दूसरा संस्थापक क्या कौन था, अगर आपसे मान लीजिए प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाए तब आप क्या करोगे? आपको ध्यान में रखना है कि पाल वंश का दूसरा संस्थापक था महिपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तब क्या करोगे आप? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा। बिहार क्षेत्र पर पाल वंश का शासन था, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस क्षेत्र पर पाल वंश का शासक था, तो बिहार क्षेत्र पर पाल वंश का शासक था। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इंद्र युद्ध को हराकर चंद्र युद्ध को कनकौ का शासक बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख है। गंगा नदी, यमुना नदी और ब्यास नदी का जो उल्लेख है, ये ऋग्वेद की मंत्र सूक्त में किया गया है। किस में किया गया है? ऋग्वेद की मंत्र सूक्त में किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन है। किस नदी का वर्णन है? सिंधु नदी का वर्णन। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में, एसएससी सीजीएल के पेपर में, कि सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन किस वेद में है, ऋग्वेद में है। ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं सरस्वती नदी के पास स्थित थीं। गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार दिया गया। कितनी बार दिया गया है? सिर्फ एक बार दिया गया है। और रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? परुष्णी। क्या है? परुष्णी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। तो पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं शुभारमन विजयलक्ष्मी। कौन है? शुभारमन विजयलक्ष्मी। अगर हम शुभारमन विजयलक्ष्मी की बात करें, तो शुभारमन विजयलक्ष्मी शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शुभारमन विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज खेल से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2001 में वह महिला ग्रैंड मास्टर WGM का खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। शुभारमन विजयलक्ष्मी ने इंटरनेशनल मास्टर और महिला ग्रैंड मास्टर की फिडे उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? फिडे उपाधि धारण की थी। 2001 में इन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। विश्वनाथन आनंद 1988 में भारत से शतरंज में पहले ग्रैंड मास्टर थे, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, चू फाट नृत्य किस राज्य का है? तो चू फाट नृत्य जो है ना, ये सिक्किम राज्य का है। अगर हम चू फाट की बात करें, तो चू फाट सामूहिक लोक नृत्य जो सिक्किम के लोगों के संरक्षण देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। किसके सम्मान में किया जाता है? कंचनजंगा के सम्मान में।
सामूहिक लोक नृत्य चू फट लेपचा समुदाय से संबंधित। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए पेपर में एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कि सामूहिक लोक नृत्य चू फट जो है ये किस समुदाय से संबंधित, तो मेरे प्यारे साथियों ये लेपचा समुदाय से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है, तो कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। एमएस धोनी ने 23 वर्ष की उम्र में अपनी वनडे में डेब्यू सीरीज खेली थी। 26 वर्ष की छोटी उम्र में एमएस धोनी ने उद्घाटन आईसीसी T20 विश्व कप 2007 में भारत को जीत दिलाई थी। जो आईसीसी वर्ल्ड T20 हुआ था आपका 2007 में, उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने जीत दिलवाई थी। 4 वर्ष बाद एमएस धोनी ने भारत को दूसरा वनडे विश्व कप भी जिताया था, दूसरा वनडे विश्व कप। एमएस धोनी ने भारत के लिए अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 9 जुलाई 2019 को खेला था। कब खेला था? 9 जुलाई 2019 को लास्ट मैच खेला था महेंद्र सिंह धोनी ने। अब अन्य लोगों के प्रमुख जो नाम है उनके बारे में जान लीजिए। महेंद्र अमरनाथ, इनको किस नाम से जाना जाता है? जिमी के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध क्रिकेट से होगा। सुनील गावस्कर, तो सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, इनका संबंध क्रिकेट खेल से है। कपिल देव को द हरियाणा हुरिकेन के नाम से जाना जाता है, इनका संबंध क्रिकेट से होगा। अनिल कुंबले को जैम्बो के नाम से जाना जाता है, इनका भी संबंध क्रिकेट से होगा। मेजर ध्यानचंद, इनको हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है, इनका संबंध हॉकी से है। मिल्खा सिंह को उड़ता सिख के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध ट्रैक और फील्ड एथलीट से है। शोएब अख्तर, इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध क्रिकेट से है। सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध क्रिकेट से है। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध क्रिकेट से है। हिमा दास को धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध ट्रैक और फील्ड एथलीट से है। पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध ट्रैक और फील्ड एथलीट से है। विश्वनाथ आनंद को लाइटनिंग किड के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध शतरंज खेल से है। मैरी कॉम को शानदार मैरी के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध मुक्केबाजी से है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, 2021 में वाइस नेवी चीफ कौन था? केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल को वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया था। वह वर्तमान में नौसेना में उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। देश के 25वें नौसेना प्रमुख के रूप में 30 नवंबर 2021 को कार्यभार संभालने वाले एडमिरल आर हरि कुमार 30 अप्रैल को दोपहर को सेवानिवृत्ति हो गए। यानी कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि प्रॉपर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादाभाई नौरोजी। अगर हम दादाभाई नौरोजी की बात करें तो दादाभाई नौरोजी एक व्यवसायी थे। दादाभाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। अगर आपसे मान लीजिए पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो दादाभाई नौरोजी को जाना जाता है। वह ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादाभाई नौरोजी ने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना में सहायता की थी और 1885 में नौरोजी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी बने थे। अगर आपसे प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाए कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन थे, दादाभाई नौरोजी। वह 1886, 1893 और 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दादाभाई नौरोजी द्वारा रस्त गुफ्तार समाचार पत्र संपादित किया गया था। कौन सा समाचार पत्र संपादित किया गया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा? रस्त गुफ्तार। और 1866 में ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेगा आप लोग, बोलिए रहा है 1866 में लंदन में दादाभाई नौरोजी ने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि
द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई थी वर्ष 1866 में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नहीं है, दादाभाई नौरोजी के प्रमुख लेखन हैं कौन कौन से? प्रॉपर्टी इन इंडिया, द मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ द पारसीज, कंडीशन ऑफ इंडिया, एडमिशन ऑफ एजुकेटेड नेटिव्स इनटू द आईसीएस, द वांट्स एंड मींस ऑफ इंडिया। ये जो आप देख रहे हैं ये दादाभाई नौरोजी के द्वारा लिखे गए लेखन हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अच्छा, बेसबॉल में कितनी होती संख्या? 9 होती है। बास्केटबॉल में 5 होती है। बिल्डियस स्कूनर में 1 होती है। मुक्केबाजी में 1 होती है। शतरंज में 1 होती है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। क्विकेट में 3 अथवा 6 होती है। फुटबॉल सॉकर में 11 होती है खिलाड़ियों की संख्या। गोल्फ में कोई निश्चित नहीं। हॉकी में 11 होती है खिलाड़ियों की संख्या। कबड्डी में 7 होती है खिलाड़ियों की संख्या। खो खो में 9 होती है खिलाड़ियों की संख्या। नेटबॉल में 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। पोलो में 4 होती है। और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ियों की संख्या होती है। टेबल टेनिस एकल में 1 खिलाड़ी और युगल में 2 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस की अगर हम बात करें तो एकल में 1 खिलाड़ी और युगल में 2 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने, क्योंकि यहाँ से आज क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है कि आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न यहाँ से एक पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कस्तूरबा बालिका विद्यालय की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय 2004 में प्रारंभ किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत 11 से 14 वर्ष आयु समूह की छात्राओं को आवासीय विद्यालय प्रदान किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, तमिलनाडु में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? कार्यक्रम की जड़ें स्वतंत्रता पूर्व युग में देखी जा सकती हैं, जब 1925 में तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। राज्य सरकारों द्वारा पहल 1962-63 के स्कूल वर्ष में शुरू हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, G20 का पहला सम्मेलन वर्ष 2008 में हुआ था। 17वां G20 राजाध्यक्षों शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में होता, जिसके बाद भारत दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता संभाली। भारत ने एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली। भारत 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्ष पद पर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था 42वें संशोधन में कितने DPSP जोड़े गए हैं? क्षमा न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तीनों शिफ्टों की, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो हैं दोनों ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्टों की आपको PDF बिल्कुल निःशुल्क में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।